Hey everyone, I am Shreyashi watching my channel Shreyashi's Tips. Interior decoration और beauty tips ये दोनों के ऊपर मैं हर तरीके की videos upload करती रहती हूँ. अगर आप interested है इस दोनों subject पर तो subscribe my channel और बाजू में जो bell icon होता है उसको भी press कर दीजिएगा video की notification पहले पाने के लिए. आज के जो video है, video में मैं बात करूँगी forehead में जो acne आ जाता है winter season में, इस एरिया पर जो एक्ने आ जाते हैं इसके बारे में बात करूंगी. कुछ केसेस मेरे पास इस टाइप के आया है तो मुझे लगा कि इस टाइप इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करना चाहिए, आप सबसे शेयर करना चाहिए. विंटर सीजन में फोरहेड में जो एक्ने होता है इसका कॉज क्या है पहले ये तो जान लीजिए. कॉजेस पता होने पर इसको इसका जो इलाज है इसका जो ट्रीटमेंट है करना ज़्यादा आसान रहते हैं. विंटर सीजन में स्किन में ड्राइनेस आना और स्कैल्प पे डैंड्रफ आना ये दोनों सिमिलर है, होता ही है, सबको होता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा मगर होता है. जब स्किन ड्राइनेस होने लग जाते हैं फोरहेड में भी जो क्रैक आ जाते हैं स्किन में थोड़ा थोड़ा जो क्रैक आ जाते हैं और उसके साथ स्किन स्कैल्प पे जो डैंड्रफ होता है वो डैंड्रफ थोड़ा बहुत गिर जाते हैं इसके फोरहेड पर. तो जब वो डैंड्रफ गिरते हैं हमारे फोरहेड पर तो उससे यहाँ पर जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके जो रिजल्ट आता है वो एक्ने हो जाते हैं. और उसके साथ साथ स्कैल्प पे जो ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल भी कभी कभी यहाँ पर गिर जाते हैं. या किसी किसी को ऐसा भी है विंटर सीजन में फोरहेड में ऑयलीनेस आ जाते हैं, स्किन ड्राई होते हैं, बाकी जो स्किन है फेस का वो ड्राई रहते हैं मगर फोरहेड में थोड़ा ऑयलीनेस ऑयल सा स्किन आ जाते हैं. तो इसके कारण ये जो एक्ने वो फोरहेड में शो होता है. तो क्या करना है, अब लाइफ बहुत बिजी है आजकल, ज़्यादा कुछ करने का टाइम किसी के पास नहीं है. ए बोलो वो बोलो ज़्यादा कुछ बोलोगे तो लोग कुछ भी नहीं करेगा स्किन को हेल्दी रखने के लिए. मेरे पास भी टाइम नहीं है तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी. तो आसान सी तरीका क्या है, जो केसेस मेरे पास आए थे उसको भी मैं जो रिप्लाई किया उसको भी जो ट्रीटमेंट में शेयर किया वही मैं आज अब सबसे शेयर कर रही हूँ. जैसे कि जो पहली जो बात है वो फेस को क्लीन करना चाहिए. फेस में कोई किसी भी तरह की गंदगी ऐसे नहीं होना चाहिए. फेस को विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा जो वाटर है यूज़ नहीं करते हैं तो फेस को क्लीन करो. फेस को क्लीन करो जैसे कि सुबह उठकर थोड़ा सा वार्म वाटर से फेस वॉश से स्किन को धो लो अच्छे से. स्किन में डर्टनेस होना नहीं चाहिए और शाम के टाइम में भी आपको थोड़ा सा वार्म वाटर लेकर स्किन को वॉश करना है, फेस वॉश करना है. तो दो टाइम्स आप इसको अच्छे से क्लीन कीजिए. और नहाने के टाइम पर मैं एक पैक शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आप कर सकते हैं जो बेसन है बेसन लीजिए और उसमें आप ऐड कीजिए सैंडल पाउडर. मार्केट में इस तरह की जो सैंडल पाउडर है वो अवेलेबल होता है तो आप इसको खरीद कर ला सकते हैं. यहाँ पर दिखाई नहीं देते क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है तो उल्टा ही दिखाई देते हैं यहाँ पर. तो इस तरह की सैंडल पाउडर आप लेकर आ सकते हैं बाहर से और घर में भी आप बना सकते हैं सैंडल को. सैंडल का जो लिक्विड होता है वो घर में भी आप बना सकते हैं. इस तरह के पाउडर से होता क्या है, थोड़ा लाइफ आसान होता है. आप दो चम्मच बेसन दो चम्मच सैंडल पाउडर क्वांटिटी ऐसा ही है. इस तरह से आप इसको ज़्यादा मात्रा में इसको मिलाकर एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं पूरे हफ्ते के लिए. हर रोज इसको अप्लाई करना है. इसको नहाने के टाइम पर हाथों पर लीजिए, जो पाउडर आपने बनाया है वो उसको हाथों पर लीजिए, इस तरह से यहाँ पर लीजिए और थोड़ा यूज़ कीजिए रोज़ वाटर. अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो तो आप यूज़ कर सकते हैं मिल्क, रॉ मिल्क या मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं. और जो जिसका ऑयली स्किन है तो रोज़ वाटर आप यूज़ कर सकते हैं. इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और इसको अच्छे से फेस पर लगाकर एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इसको रफ करना है, थोड़ा थोड़ा से करके ऐसे रफ करना है. यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी एक्ने होता है, इस जो एरिया है यहाँ पर एक्ने आ जाते हैं. तो अच्छे से इसको इस तरह से घिस लीजिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. तो इस तरह रेगुलर करने से और दो तीन मिनट इसको मसाज कीजिए, थोड़ा देर रहने दीजिए 5 मिनट्स तक रहने दीजिए फिर इसको वॉश कर लीजिए. तो इसको इस टाइप से आपको रेगुलर करना है.
फ्रेंड्स बिलीव मी, अगर आप इस तरह से रोज करते हैं और रोज जो जो पॉइंट में यहाँ पर शेयर किया आप इसको फॉलो करते हैं, तो आपके जो फोरहेड में एक्न आने का जो चांसेस वो नहीं रहेगा, अगर आ भी गया एक्न वो भी क्लियर हो जाएगा। तो स्किन के और बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टा या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो अगर अच्छे लगते हैं आपको तो जरूर लाइक दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिसको जिसको जरूरत हो इस टाइप की प्रॉब्लम हो शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब करके रख देना और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा जरूर, नहीं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। ओके चलते हैं।